नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आदर्श पुलिस चौकी का किया गया उद्घाटन। आपको बता दें, जिला बाराबंकी के सुबह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श पुलिस चौकी का उद्घाटन बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी की कर कमलों द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस चौकी के बन जाने के बाद अब लोगों को 18 किलोमीटर दूर सुबह थाना नहीं जाना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया तथा वहां उपस्थित सभी पत्रकारों को कलम और डायरी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मनोज कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ उमा शंकर सिंह, सराय गोपी चौकी इंचार्ज श्री प्रकाश सिंह आज मौजूद रहे। रविंद्र कुमार मिश्रा, ब्यूरो बाराबंकी के साथ वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कंस्ट्रक्शन और सारा जन सहयोग से हो रहा है, जिससे उनके बड़ा मन प्रसन्न होता था। आज उन्हें देखने को मिल रहा है कि जितनी पक्की मजबूत ये चौकी बनी है, ऐसा लोग अपना घर भी नहीं बनवा पाते। और इसके पीछे आपका तो सहयोग है ही, लेकिन मैं खुले शब्दों से उमा शंकर सिंह, जो हमारे सर्कल ऑफिसर हैं, इनकी प्रशंसा करता हूं, अपने इंस्पेक्टर की प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने समय देकर अपने जो नैतिक कार्य हैं उसके अलावा समय देकर इन्होंने इस चौकी का निर्माण कराया। इस चौकी का निर्माण पूरी तरह से जन सहयोग से है, इसमें विभाग का एक भी पैसा नहीं लगा है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि आपका स्थानीय पुलिस पर कितना विश्वास है। आपके सहयोग से ही ऐसा संभव हो सका। और मैं समझता हूँ कि जब हमारा आपका सहयोग बहुत अच्छे स्तर का होगा, हम बराबर एक दूसरे की कमी, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझेंगे, तो किसी प्रकार की का मनमुटाव नहीं होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस दूरस्थ चौकी पर पर्याप्त संख्या में उपनिरीक्षक और ट्रांसफर की पोस्टिंग की जाएगी, जिससे आपके क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में गश्त निकल सके। आप जब भी यहाँ पर आए तो कोई न कोई आपको चौकी पर जरूर मिले। और मैं ये भी प्रयास करूँगा कि यहाँ पर वायरलेस सेट लगा हो, जिससे कि अगर कोई आकस्मिकता की स्थिति में कोई आवश्यकता पड़ती है तो थाने के माध्यम से उसे जिला मुख्यालय तक सूचना भेजी जा सके। अभी ये काम अधूरा है। आज हम लोग यहाँ इसलिए जल्दबाजी में बैठे हैं क्योंकि उमा शंकर का ट्रांसफर हो गया है और इन्होंने पूरे जनपद में अन्य कार्यों के अतिरिक्त निर्माण कार्य में भी बहुत मदद की है। और निश्चित रूप से इतना हमें